Good morning, dear students. Today we are going to discuss about second topic, Coulomb's law of chapter 1, electric charge in fields. A very interesting and very important topic in electrostatics. So hum aaj samjhenge Coulomb's law kis cheez ke bare mein aapko batayega, kya information dete hai ye sikhenge aaj. So come back our topic, what is a Coulomb's law. पहले हम इसकी बात करते हैं statement में. तो ये Coulomb's law information देता है किस चीज के बारे में, gives the information about force of attraction and repulsion between two static charges. I repeat, two static charges. Static मतलब कोई दो charges अगर rest में है तो उसके बीच में लगने वाले force के बारे में ही बता सकता है. तो स्टैटिक का मतलब यहाँ पर किस चीज से है, रेस्ट से है, राइट. ये क्लियर हो गया. ओके, तो क्या स्टेटमेंट है, इसके लिए स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं. स्टेटमेंट, सो फर्स्ट स्टेटमेंट मैं पॉइंट वाइज इसको समझाऊंगा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and repulsion at the time एक लेगा और repulsion between two charges is directly proportional to the product of charges, which means कि दो charges के बीच में, just like charge Q1, charge Q2, तो इसके बीच में लगने वाला force, suppose they are like charges, तो इसके बीच में लगने वाला force, इसने इस पे फोर्स लगाया, इस फोर्स की रिएक्शन होगी इधर F21, राइट. इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये क्या हो गया F12, क्लियर. अगर इसके बीच का डिस्टेंस है R, राइट, तो इसमें लगने वाला फोर्स जो है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके चार्जेस के प्रोडक्ट के, राइट. ये वाला रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है. ये ब्लैक चार्जेस है तो ये हुआ, चाहे ये प्लस के हो चाहे ये दोनों माइनस के. अगर ये दोनों चार्जेस अनलाइक होते तो अनलाइक के बीच में सपोज Q1 पॉजिटिव एंड Q2 नेगेटिव, तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स, ये वाला इस पे जो फोर्स लगा था उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होती और ये इसके ऊपर फोर्स लगा था उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होती, बस डायरेक्शन चेंज होता. इसके बीच में कुछ नहीं है तो हम एयर एज्यूम करेंगे, एयर है इसके बीच में, राइट. ओके, तो इसके ग्राफिकल फॉर्म भी देख सकते हैं. तो ग्राफ क्या है भी इसका, suppose we have taken y axis A और x axis Q1 Q2, तो जितनी ज्यादा ये प्रोडक्ट बढ़ेगा इस तरीके से, यानी कि if Q1 Q2 is increasing the force is also increasing, Q1 Q2 decreasing
the force is also decreased. Pehla rule clear, rule number first. Okay, अब एक चीज और सीखेंगे इसमें कि ये फोर्स अट्रैक्टिव कब होगा और रिपल्सिव कब होगा. ओके, नेक्स्ट रूल पे आते हैं. दिस फोर्स इज ऑलवेज इनवर्सली proportional to the square of distance between two charges. Okay, which means if is inversely proportional to the square of distance between them. Rule number first. Rule number second, which means if R is increased, the force is decreased. R is decreased, the force will be increased. Very increased. Okay. तो इसका graph क्या होगा? If और आर स्क्वायर, तो ये बनेगा इसका ग्राफ कि जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा. एक्स एन वाई के दो रूल हो गए. रूल नंबर फाइव, दिस फोर्स इज ऑलवेज act along the line joining of two charges, which means के अगर एक charge है Q1 और एक charge है Q2, तो इसमें लगने वाला फोर्स हमेशा इससे मिलाने वाली इस लाइन के अलोंग ही आगे पीछे होगा, या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है. ये किसी एंगल पे नहीं होगा. सपोज यहाँ से ये इधर किसी एंगल्स पे नहीं निकल सकता है, इसी के अलोंग आगे पीछे कहीं ना कहीं पाया जाएगा. इट मींस के द फोर्स इज ऑलवेज एक्ट काम करेगा अलोंग उस लाइन के आगे या पीछे. क्लियर? ये मेनली तीन एजम्पशंस ली जाती है कूलम्ब्स लॉ में. अगर मैं इसको कंबाइन करूं, कंबाइन द रूल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, नाउ वी हैव एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. इसको इक्वल करने के लिए कॉन्स्टेंट टर्म्स लिया गया कि P1 Q2 upon R square, right? Here K is electrostatics constant. K is electrostatics constant. Electrostatics constant. I repeat, electrostatics constant. तो इसकी वैल्यू अलग अलग क्वांटिटीज में अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होती है. जैसे इसकी की वैल्यू जो है वो सीजीएस में, सीजीएस यूनिट में और एसआई यूनिट में, तो सीजीएस यूनिट में इसकी वैल्यू 1 देखी गई और एपीएस यूनिट में इसकी वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हिच मींस 9 * 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. इतनी बाई है, राइट? ये हमारे पास दो तरह की यूनिट मिलती है. तो बेसिकली हम किसको कंसीडर करते हैं? अच्छा, इसमें एक नई चीज आ गई हमारे पास, एफ सेवन नॉट, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी
in फ्री स्पेस, ओके, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 पीनिंग टेन की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट, ये इसकी वैल्यू होती है। तो एफ का जनरल फॉर्मूला 1/4πε0 q1 q2 r स्क्वायर, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हुई कूलम्स लॉ की, जल्दी इसको नोट करें, उसके बाद हम सेकंड टॉपिक पे आएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, तो कूलम्स लॉ में हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया था, और ये फॉर्मूला 1/4πε0 q1 q2 r² राइट। अच्छा, तो इसमें क्या क्या चीजें हमारे नॉलेज में होनी चाहिए, पहले इसकी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होनी चाहिए, पहला इंफॉर्मेशन क्या, इसका ग्राफ, अरे क्या, इसका ग्राफ नॉलेज में होना चाहिए, किस तरह का ग्राफ होगा, अरे सर इसमें दो क्वांटिटी है, क्वांटिटी फर्स्ट भी है, क्वांटिटी सेकंड भी है, क्वांटिटी थर्ड भी है, तीन के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, बनेगा, सो डोंट वरी, कैसे बनाएंगे, ये देखो, ये देखो, ये x ले लिया और इसको हमने क्या ले लिया, y ले लिया, तो इसका ग्राफ एक तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, सर ये किसका है बताऊंगा अभी, ये ग्राफ, सर ये किसका है, तो ये वाला ग्राफ दिखाएगा एक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2, और ये ग्राफ दिखाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² भाई, समझाया, इतनी इंफॉर्मेशन, तो ये फर्स्ट ग्राफ हुआ। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, सेकेंड पॉइंट, अगर q1 है चार्ज और q2 है चार्ज, अच्छा अगर ये दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई, यानी कि q1 q2 अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया, क्या आ गया भाई, ग्रेटर देन जीरो आने का मतलब क्या है, ग्रेटर देन जीरो आने का मतलब है पॉजिटिव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो जा रहा है, उसका मतलब कि लगने वाला फोर्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा भाई, तो फोर्स का नेचर जो होगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा, सर ये क्या है, इसका मतलब ये धक्का मुक्की करने वाला है, रिपल्सिव नेचर का मतलब, सर इसका मतलब क्या है, तो रिपल्सिव नेचर का मतलब है आउटवर्ड फोर्सेस, कैसा फोर्सेस भाई, आउटवर्ड, ये वाला फोर्सेस इसके अंदर काम करेगा, ओके। अब इसका थर्ड इंफॉर्मेशन, कूलम्स लॉ के बारे में मालूम होने चाहिए कि अगर इफ q1 q2 इज लेस देन जीरो, q1 q2 का मल्टीप्लाई क्या हो, लेस देन जीरो हो, उस केसेस में ये कैसा होगा, निगेटिव होगा, अगर ये निगेटिव हो रहा है तब इसके बीच में लगने वाला फोर्स का जो नेचर होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ये खींचने वाले का नेचर का होगा, यानी कि अट्रैक्टिव इन नेचर, अरे सर वेरी इंटरेस्टिंग लग रही है, अच्छा देखते हैं इसके बारे में, यानी कि अट्रैक्टिव नेचर का मतलब क्या है, यानी कि खींचने वाला फोर्स है, अपनी ओर खींचेगा, यानी कि ये वाला इनवर्ट फोर्सेस है, अरे ये इनवर्ट फोर्सेस है, यस दिस इज इनवर्ट फोर्सेस, यानी कि अलग चार्जेस के बीच में ये काम चल रहा है, ओके। अब हम आते हैं पॉइंट फोर पे, सर अभी बच गया पॉइंट, हाँ कुछ बचा हुआ है, देखेंगे इसके बारे में। पॉइंट फोर में क्या होता है कि सपोज एक चार्ज है q1 और एक चार्ज है q2, राइट, एक चार्ज है q1 और एक चार्ज है q2, तो इन q1 q2 पे जो लगने वाला फोर्स होगा, किसी भी पॉइंट पे जो फोर्सेस लगेगी, उस फोर्स में सपोज कि F1, इसने अगर ये लाइक चार्जेस है दोनों, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F21 और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F12। एक चीज और मालूम होनी चाहिए कि F12 एंड F21 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे लेकिन दोनों की डायरेक्शन जस्ट लाइक कर्ण अर्जुन नॉर्थ साउथ, यानी कि डायरेक्शन दोनों की एक जैसी नहीं होगी, यानी कि F12 -F21, ओके, या फिर
F21 इक्वल्स टू माइनस F12, आपको जो लिखना है वो लिखो, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, राइट समझ में आया ये। अच्छा आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो नेक्स्ट पॉइंट किस चीज के बारे में बताएगा, तो नेक्स्ट पॉइंट इस कूलम्स लॉ में हमें मालूम होनी चाहिए कि इफ जो है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, ओके है आर स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या चीज है, तो इसके अंदर हमारे पास एक नई चीज है ये, तो 1/4πε0 की वैल्यू रख लो, याद तो लो, पढ़ लो हमेशा के लिए, कि ये जो वैल्यू कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, आई रिपीट, अरे सर क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। अच्छा तो इसकी कुछ वैल्यू होगी, हाँ इसकी वैल्यू है, कितनी है, 9×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा सर एक्सचेंज चेंज हो गया, कोई बात नहीं, देखेंगे इसके बारे में, ये वैल्यू हमारे पास होती है। और ये जो फॉर्मूला है ये है तब कि उस दो चार्जेस के बीच में क्या हो, उन दो चार्जेस के बीच में या तो एयर है या फिर क्या है, वैक्यूम है। सर इसके अलावा कुछ और आ गया तब तो कहानी चेंज हो जाएगी। अब कहानी चेंज होगी तो कैसे समझेंगे बताओ सर, पिक्चर ही बाकी है, इतना समझ लो, उसके बाद में बताऊंगा। समय और टॉपिक कूलम्स लॉ, अरे सर कूलम्स लॉ इज वेरी इंटरेस्टिंग, कूलम्स लॉ में क्या पढ़नी है, अभी कूलम्स लॉ कंप्लीट नहीं हुआ है, कूलम्स लॉ में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे काम की है, क्या है अभी, तो कूलम्स लॉ में अभी हम वेक्टर फॉर्म समझेंगे सर, कौन सा 1D 2D 3D, हम यहाँ समझेंगे 1D and 2D, कौन कौन सा समझेंगे, 1D and 2D and 3D सब समझेंगे। अच्छा 1D से शुरू करते हैं, किससे, 1D से, वह मिलने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग, क्या मिलने वाला है देखते हैं 1D में। तो हम यहाँ समझने वाले हैं इसका कौन सा फॉर्मेट, वेक्टर फॉर्म इसका 1D वेक्टर फॉर्म, अरे सर कमाल कर दिया, 1D वेक्टर फॉर्म क्या है अभी, 1D वेक्टर फॉर्म को हम समझेंगे, मजेदार टॉपिक है, बिल्कुल मजा आएगा, कमाल की टॉपिक है। यहाँ देखो एक है टॉप यहाँ पर Q1 और एक है यहाँ चार्ज Q2। अच्छा सर एक है Q1 और एक है Q2, एक है Q1 और एक है Q2, ये हो गया लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, क्या हो गया अभी, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ, आई रिपीट, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस एंड बोथ आर पॉजिटिव इन नेचर, इट मींस के इट आर लाइक चार्जेस। अच्छा अब मैंने क्या किया है, कंडीशन दिया कि इस चार्जेस ने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड फोर्सेस, धक्का देगा, ये धक्का दिया इधर पहुंच गया। अच्छा तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया और उस फोर्स की डायरेक्शन हो गई ये F21, इट इज अ वेक्टर फॉर्म। अच्छा तो ये फोर्स की मैग्नीट्यूड हुई, अब इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए ये दोनों के बीच का क्या हो गया, डिस्टेंस r, हम इसको एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के तौर पे समझ सकते हैं, राइट ओके। तो इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए, अच्छा ये फोर्स है, इस फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो हमने इसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए एक सिंबल यूज कर लिया R21 कैप। अब ये क्या है, ये नई चीज आ गई, अरे मजेदार टॉपिक है, इसको हम बोलेंगे इट इज द यूनिट वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर, क्या बोलेंगे इसको, इट इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स which is directed towards first charge to second charge। समझ में आया, मजेदार टॉपिक सर, बिल्कुल नया बता दिया, कमाल हो गया फिर, ओके। R21 क्या है अभी, सॉरी R12, दैट वाज माय मिस्टेक, हो जाती है कोई भी गलती, ऐसा पहली बार हुआ है। देखो तो 1 से 2 के तरफ जाने वाले फोर्स के डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमने यूनिट वेक्टर का यूज किया, तो इसकी डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस भी लेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज R12, राइट क्लियर हुआ, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो हम एक फॉर्मेट को यहां दिखा रहे हैं और दूसरा, तो इसको नाम क्या दे दिया हमने, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट F21 इक्वल्स टू 1/4πε0, आई रिपीट, 1/4πε0 Q1 Q2 ऑफ वन वॉट R12 वेक्टर स्क्वायर,
ओके तो बेटा ये मैग्नीट्यूड है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी मैग्नीट्यूड है, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर एक स्केलर होता है राइट। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, मैग्नीट्यूड, लेकिन फोर्स क्या है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यूज करेंगे आर टू वन कैप राइट, समझ में आया। यानी कि फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r12 स्क्वायर r12 कैप। ओके एक छोटी सी टॉपिक कि हमने पहले से मालूम है कि e कैप किसके इक्वल होता है, वेक्टर a अपॉन वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। ओके तो सिमिलरली अगर मैं r21 को लिखूं r21 कैप तो क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली वाइज इंटरेस्टिंग है r12 एंड देयर मैग्नीट्यूड। यानी कि हम इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको और मॉडिफाई करके भी लिखा जा सकता है। कुछ बुक्स में बर्मा साहब की बुक में इसी तरीके से लिखा हुआ है। ओके अब हम इसमें क्या देखेंगे, हम इसके अंदर देखेंगे क्या देखेंगे, मजेदार टॉपिक है कुछ तो देखेंगे। अच्छा देखते हैं क्या लिखने वाले हैं। तो कैन बी रिप्लेस्ड, व्हाट कैन बी राइट इन द प्लेस ऑफ r12, सो कैन बी राइट r12 देयर मैग्नीट्यूड व्हाट वी हैव, सो कैन बी राइट f21 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन व्हाट कैन बी राइट r12 देयर मैग्नीट्यूड r12 वेक्टर एंड r12 वेक्टर देयर मैग्नीट्यूड। ये भी क्वांटिटी, ये भी क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एंडेसिस इसके पावर क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r12 वेक्टर देयर मैग्नीट्यूड क्यूब इनटू r12 वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, हैव यू क्लियर। ओके अब आते हैं कि अगर इस चार्जेस ने इस पे फोर्स लगाया तो किधर लगाएगा, ये फोर्सेस इधर लगेगा और इसको नाम देंगे क्या, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, पहले बताया जा चुका है इसके बारे में, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शंस को हम कैसे दिखाएंगे, तो ये इधर की तरफ आ रहा है 2 से 1 के तरफ, तो r21 कैप विच मींस के इट इज अ यूनिट वेक्टर विच इज directed towards second charge to charge first, यानी कि इसने इसके फोर्स लगाया जिसकी डायरेक्शन क्या है, टू से फर्स्ट के तरफ है, इसके लिए हम जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे r21 वेक्टर राइट। तो यहां पे इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहां पे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड f12, सो व्हाट कैन बी राइट f12, सो f12 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन व्हाट कैन बी राइट अ डिस्टेंस बिटवीन देम r21 वेक्टर देयर मैग्नीट्यूड एंड r21 कैप। ओके दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। अच्छा अब हम इस पे समझते हैं कि क्या मैं r21 कैप को r21 वेक्टर एंड r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, डेफिनेटली सर लिख सकते हैं। मजेदार टॉपिक कमाल हो गया बिल्कुल। देखो यहाँ पे f12 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r21 स्क्वायर एंड व्हाट कैन बी राइट r21 कैप एंड r21 कैप देयर मैग्नीट्यूड। अच्छा सर इंग्लिश कोई बात नहीं, r21 वेक्टर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r21 वेक्टर देयर क्यूब इनटू r21। अच्छा सर कमाल हो गया बिल्कुल। अच्छा ये देखो, ये हमारे पास एक कंक्लूजन मिलता है कि कूलम्स लॉ का ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, इन अ 1D फॉर्म और लीनियर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ बच्चों, पक्का कोई डाउट, नोट्स बनाना है जी सर, जल्दी नोट बनाओ नोट के लिए। हमने सर लास्ट टॉपिक आपने पढ़ाया था कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म 1D में। अच्छा 1D में पढ़ा दिया था, कोई बात नहीं, अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ 2D, क्या पढ़ाने वाला हूँ 2D वेक्टर फॉर्म। 2D वेक्टर फॉर्म, इस बोर्ड के ऊपर दो चार्जेस को फेंका,
यहाँ यहाँ चार्जेस गई, अब उन चार्जेस के बीच में भी एक फोर्स काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है ये देखो, ये आ गया। अच्छा तो हम क्या समझने वाले हैं इसका, यानी कि इसका हम 2D फॉर्म समझने वाले हैं। 2D फॉर्म कौन सा फॉर्म सर? वेक्टर फॉर्म। अच्छा फुल फॉर्म वेक्टर फॉर्म। अच्छा गवाल कर दिया। ओके हम समझने वाले हैं इसके बारे में। मजेदार टॉपिक है, बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। 11 क्लासेस की नॉलेज तो होगी। यस सर बहुत नॉलेज है, कोई बात नहीं, मजा आ गया फिर तो। अच्छा फिर देखते हैं इसके बारे में क्या क्या चीजें है। हमने दो चार्जेस को लिए, ये ले आया और ये इस पर फिर था। एक चार्ज तो यहाँ आ गई। अच्छा सर कमाल कर दिया। अच्छा दूसरा चार्जेस ये बाहर चलाया और ये इस पर फेंक दिया, दूसरा चार्जेस यहाँ पे आ गया। अच्छा सर ला कहाँ से ले, कोई बात नहीं आएगा कहीं से, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया। अच्छा इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये एक वेक्टर है, राइट क्लियर ओके। दूसरा ये एक फॉर्मेट है और इसका भी एक, तो हमने पोजीशन को दिखाने के लिए ओ से या ओरिजिन से Q1 का लोकेशन है R1 वेक्टर और Q2 का लोकेशन है R2 वेक्टर, राइट। मजेदार टॉपिक सर, मजा आ रहा है, कोई बात नहीं आएगा, मजा बिल्कुल आएगा, पिक्चर भी बाकी है। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, पहला इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्स ऑन। अच्छा सर फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, अरे सर कमाल हो गया बिल्कुल, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज यानी कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये लगाया नीचे, फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड चार्ज ड्यू टू, किसने लगाया, कोई तो दुश्मन होगा, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, अरे कमाल हो गया बिल्कुल, टेंशन मतलब। अच्छा तो किसने फोर्स लगाया, तो इसने फोर्स लगाया, किस पे फोर्स लगाया, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाया ऐसे, वो खी H21। अच्छा सर तो ये वेक्टर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा ये वेक्टर। अच्छा तो इस वेक्टर का नाम क्या देंगे, तो इस वेक्टर का नाम अभी हमने सिखाया था, ये फोर्स की डायरेक्शन के हिसाब से हम वेक्टर लेंगे, तो फोर्स कहाँ जा रहा है, 2 से 1 से 2 की तरफ जा रहा है, यानी कि R12 कैप, तो R12 वेक्टर। अच्छा सर कमाल हो गया, मजेदार टॉपिक बिल्कुल, समझे इसको। अच्छा अभी समझा रहा हूँ, यानी कि इसका नाम दे दिया हमने F21 वेक्टर। ओके तो कुलम साहब ने कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि F21 को हम क्या लिखेंगे, तो 1/4πε0 Q1 Q2। अच्छा आर के प्लेसेस पे क्या लेंगे, R12 वेक्टर स्क्वायर। आपको पता है ये पूरी की पूरी वैल्यू अब मैग्नीट्यूड हो गई, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हमारे पास कालिया है। अच्छा सर कालिया कहां से आ गया, आएगा ओके, तो ये हुआ फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, राइट, कोई डाउट पक्का नहीं है, आगे समझे, वेरी गुड, समझते हैं इसको। एक तो ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया। अच्छा एक चीज और, R12 कैप कैन बी राइट R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर देयर मैग्नीट्यूड, सो व्हाट कैन बी राइट F21, सो F21 इक्वल्स टू 1/4πε0 ओके, Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर देयर स्क्वायर। अच्छा सर और यहाँ भी R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर देयर मैग्नीट्यूड। अच्छा सर इंग्लिश कोई बात नहीं, 1/4πε0 Q1 Q2 upon R12 power 2 power 1 power 3 R12 सर कमाल कर दिया आपने, ये हो गया Q और ये हो गया R12 वेक्टर, ये हमारे पास फोर्स ऑन सेकेंड। सर वो तो पहले ऐसा ही लग रहा है, अरे पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा इसको समझते हैं, अगर मैं इसको समझूं तो OA एक वेक्टर और यहां से AB दूसरा वेक्टर, तो क्या ये इसका रिजल्टेंट नहीं है, गौर से फिर से ये देखो, ये एक वेक्टर है O से A तक, अच्छा और दूसरा वेक्टर है इधर B तक,
अच्छा कुछ समझ में आ रहा है, वेक्टर ये है, इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया R1 वेक्टर, और इधर एक वेक्टर आ गया जिसका नाम दे दिया हमने R12 वेक्टर, याद करो पुराने दिन। तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहलाएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर, कितना है R21 अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल्स लॉ, आई रिपीट, ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन क्या बोलेगा, R2 वेक्टर ये रिजल्टेंट हुआ इन दोनों के सम के इक्वल R1 + R12 वेक्टर। ओके सो यहां से R12 की वैल्यू कितनी हो गई, तो R12 की वैल्यू हो गई R2 - R1 वेक्टर। ओके हैव यू क्लियर, यानी कि इस इक्वेशन में अगर R12 को रिप्लेस करें तो एक वैल्यू और मिलती है, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट कैन बी राइट 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन इन द प्लेस ऑफ R12 क्या लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर देयर मैग्नीट्यूड, एंड R21 कैन बी राइट R2 - R1 वेक्टर। दिस इज अ वेक्टर फॉर्म इन 2D। ओके समझ आया, मजेदार टॉपिक, बिल्कुल मजा आ गया। अच्छा अभी पिक्चर बाकी है, अब हम समझते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड चार्ज। अच्छा सर इसको भी समझे, अच्छा समझते हैं इसके बारे में। अब देखो अगर यही सिस्टम है और इसी सिस्टम में अगर एक चार्ज यहाँ पे है जिसको हमने नाम दे दिया है Q1 और एक यहाँ पर है जिसका नाम दे दिया है Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर है ये R1 और इसका पोजीशन वेक्टर है ये R2 और इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो क्या ये वेक्टर बनेगा F12 फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। इसकी डायरेक्शन कौन दिखाएगा R21 कैप और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा R21 राइट, ये हमारे पास आ गया। तो सिमिलरली समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, F12 कैन बी राइट 1/4πε0 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर एंड R21 कैप। ओके सो R21 कैप कैन बी राइट R21 वेक्टर एंड R21 वेक्टर देयर मैग्नीट्यूड, सो कैन बी राइट F12 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर देयर मैग्नीट्यूड पावर क्यूब। ओके एंड R21 वेक्टर, क्लियर। अब हम इसको थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे, इससे पहले सर नोट्स काफी बन गया है। ओके तो इसको पहले हम एनालाइज करेंगे, आप इतने टर्म्स में यहां तक नोट करें फिर मैं आगे बताऊंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो वी कैन सी द फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट 1/4πε0 Q1 Q2 R21 वेक्टर। अच्छा थोड़ा इसको समझते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे ये जो हमारे पास फॉर्मेट है क्या कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है कि ये भी एक वेक्टर है। अच्छा सर ये भी एक वेक्टर है, ऐसे कौन सा वेक्टर है बेटा ये, तो मैंने इसका नाम दे दिया O, इसको बोल दिया A और ये हो गया B। तो क्या ये इस वेक्टर का ही दूसरे वेक्टर के टेल के साथ है, तो ये इसका रिजल्टेंट माना जाएगा। तो ये रिजल्टेंट कितनी हो गई R1 वेक्टर इज रिजल्टेंट R2 वेक्टर एंड R21 वेक्टर। सो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन can be right R2 vector equals to R21 vector plus R1, so R21 equals to R2 vector minus R1 vector. Okay, so in the place of this R21 what can be right,
force on second first due to second 1 of 1 4 pi epsilon naught q1 q2 of 1 r21 को क्या ले सकते हैं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर देयर क्यूब एंड r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर क्लियर दिस इज अ कांसेप्ट ऑफ फोर्स ऑन सेकंड एंड फर्स्ट टू ईच अदर ओके हैव यू क्लियर दिस थ्योरी पक्का नोट करें इसको मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स कमिंग आउट ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो व्हाट इज अ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब हमने कूलम्स लॉ की थ्योरी पढ़ी तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को जो हम स्टडी कर रहे थे तो जब इसके बीच में एयर था या फिर वैक्यूम था तब इसका फोर्स हमें कुछ एफ1 मिला राइट बात को समझना जब q1 q2 इन दो चार्जेस के बीच में ग्लास था ग्लास को अगर रख दिया तब इसके बीच में मिलने वाला फोर्सेस क्या था एफ2 था अब हमने क्या किया इसके बीच में q1 q2 के बीच में इस मीडियम के बीच में हमने मीडियम को चेंज करके हमने इसके वाटर को फिल कर दिया क्या फिल कर दिया वाटर अब इसके बीच में हमने क्या देखा कि फोर्स जो है कुछ और मिला वैसे ही हम मीडियम चेंज करते गए तो हमें फोर्स भी अलग अलग मिलता गया फोर्स भी क्या मिला हमें अलग अलग मिलता गया तो हमने एक चीज एनालाइज किया कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स उसके बीच में मीडियम कैसा है यानी कि ये नेचर उस मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है तो हमने क्या समझा अगर मैं एयर को लेकर समझाया है आपको कि Q1 और Q2 के बीच में क्या हो या तो एयर हो या फिर वैक्यूम हो उस कंडीशन में मिलने वाला फोर्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है करेक्ट यस सर वेरी करेक्ट अच्छा अगर हमने इसके बीच में कोई मीडियम रख दिया इफ सम मीडियम इज प्रेजेंट अगर कोई मीडियम इसके अंदर प्रेजेंट है अच्छा तो कहानी में ट्विस्ट आएगा अच्छा सर आ गया Q1 हो गया और ये Q2 हो गया तो हमने क्या देखा कि इसके बीच में लगने वाला फोर्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नॉट ओनली एप्सिलॉन Q1 Q2 upon R square ये है किसी मीडियम में तो नाम दे दिया हमने इसको F M और ये एयर में है तो A से इक्वेशन नंबर 2 ओके अब हमने क्या किया इसमें फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड किया तो क्या मिला हमारे पास F upon F M equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square upon 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square देख सकते हैं सारी चीजें कैंसिल हो गई तो हमें क्या मिला यहां से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली कि F upon Fm equals to epsilon upon epsilon naught ये हमें मिला यानी कि दोनों का फोर्स का रेशियो दोनों के डायरेक्शनल रेशियो को दिखा रहा है अच्छा इसी रेशियो को फोर्स इन एयर और वैक्यूम टू द फोर्स इन अ मीडियम और इट इज अ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन अ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन अ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज डिनोटेड बाय हम इससे कैसे डिनोट करेंगे के से और के क्या है यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक आई रिपीट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अब एक नई चीज है कि यहाँ पे एप्सिलेंट क्या है तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम किसी मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है कितने फोर्स को अलाउ कर रहा है ये इस बात को बताएगा अच्छा यहां पर एफ एम क्या है फोर्स इन अ मीडियम राइट और के को हम यहां बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक
कांस्टेंट। कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टेबल आपको, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है वो सभी पुअर कंडक्टर्स को लेकर के, हम सारे पुअर कंडक्टर्स को, ऑल द इंसुलेटर्स आर वी कैन कॉल द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब ये क्या करता है, ये फोर्स को कम करने की कोशिश करता है, फोर्स को क्या करने की कोशिश करता है, कम करने की कोशिश करता है। तो इसमें अलग अलग मटेरियल के लिए हमारे पास, अगर वैक्यूम में हम लेना चाहते हैं तो वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है, अगर मैं ग्लास में लेना चाहता हूँ ग्लास के लिए कांस्टेंट ये है, माइका लेना चाहता हूँ तो माइका के लिए कांस्टेंट ये है, अगर मैं एयर ले रहा हूँ तो एयर के लिए कांस्टेंट ये है, अगर वाटर ले रहा हूँ तो उसके लिए कांस्टेंट ये है, जर्मेनियम ले रहा हूँ तो जर्मेनियम के लिए कांस्टेंट ये है, अगर मेटल ले रहा हूँ तो मेटल पर डिपेंड करेगा, इस टाइप का मेटल है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटल्स हमारे नेचर में होते हैं। चलिए जल्दी इसको नोट करिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। You can see कि it is the ratio of F of one F m equals to epsilon of one epsilon naught equals to k। अब ये किस चीज के बारे में बताएगा, अब थोड़ा समझेंगे। तो इसको एक और नाम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसी k को epsilon into r, epsilon r मतलब रिलेटिव परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। समटाइम्स इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, डाइइलेक्ट्रिक, क्या बोलेंगे इसको, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अब यहां थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे कि यहां पर ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन आर, ये किस चीज को दिखा रहा है, थोड़ा समझेंगे इसको। तो इफ एफ ऑफ वन एफ एम इक्वल्स टू हो गया के, बात को समझेंगे। तो यहां से इफ इक्वल्स टू ए के इंटू एफ एम, या फिर एफ एम इक्वल्स टू एफ ऑफ वन के, यानी कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये इस बात को दिखा रहा है कि जो मीडियम के अंदर फोर्स होगा वो एयर के अंदर लगने वाले फोर्स से कम होगा। तो कितना टाइम कम होगा, तो 1/k टाइम क्या होगा, कम होगा एयर के कंपेयर में। इसका मतलब कि मीडियम में अगर इफ के इज इंक्रीज्ड द फोर्स विल बी डिक्रीज, के इज डिक्रीज द फोर्स विल बी इंक्रीज्ड, राइट। इसलिए एयर का सबसे कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वैक्यूम का भी सबसे कम होता है, नियर अबाउट इन दोनों वैल्यू को हम नेचर में कितना मानकर चलते हैं, 1। लेकिन बेसिकली की जो वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। बट अपने कन्वीनियंट के लिए हम इन प्रॉक्स वैल्यू 1 मानकर चलते हैं, लेकिन एक्चुअल तौर पर अगर हम बात करें तो किसी भी मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज्यादा होती है, 1 से कम या 1 के इक्वल नहीं हो सकती, राइट। ओके, यहां से ये हमारी चीजें मिली, ये इंफॉर्मेशन आ गया, और इसको भी आप याद रखेंगे ना, ये क्लियर। चलिए इसको भी नोट कर, जल्दी हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया।